लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्य शहर का भ्रमण कर लोगों को सचेत किया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि अयोध्या ऑरेंज जोन में है, लोगों को लॉकडाउन में ढील का भ्रम ना हो इसके लिए आगाह किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के साथ जिला स्तर के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने शनिवार को संयुक्त रूप से बाइक रैली निकाली, जिसमें जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और SSP आशीष तिवारी भी शामिल हुए। जिला स्तरीय अधिकारियों ने जनपद के लोगों को आगाह किया है कि लॉकडाउन में अभी कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी, जिला ऑरेंज जोन में है और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई होती रहेगी। फिलहाल प्रशासन शासन की गाइडलाइन की प्रतीक्षा कर रहा है। देखिए, जो हमारे बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स के ऊपर में जगह जगह बैरियर्स लगे हुए हैं और दूसरे जनपद वालों को हमारा यही संदेश है कि क्योंकि जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस हैं, अतः जो मालवाहक हैं या जो माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्या एसेंशियल नॉन एसेंशियल, उसके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम है ना उसकी पूछताछ है। पर जो अन्य कारणों से लोग आ रहे हैं तो उसमें वो जो DM साहब का पास जो जनरेट करवाते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से या डिस्ट्रिक्ट से, उसी के थ्रू आना अलाउड है या लॉकडाउन अभी भी लागू है। कल का जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसमें 3 तारीख से आगे भी 14 दिन के लिए अभी लॉकडाउन लगाया गया है और उसमें काफ़ी सारे फिर भी जो है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं जिसके तहत ही सब कार्रवाई होनी है। तो कतई ये कोई भ्रम न रखें कि अभी लॉकडाउन खुल गया है और पूरा मार्केट खुल जाएगा और सबको बाहर आने जाने पे जो है बिल्कुल स्वतंत्रता है, तो ये चीज़ कतई किसी को नहीं सोचना है। अभी यही सोचना है कि रेस्ट्रिक्शंस हैं और रेस्ट्रिक्शंस जो है ये सब जनहित में हैं।